मेरा नाम सरीना है, ये सारा जानता ही होगा, सरीना स्वामी। और मेरो ससुराल है वो श्री गंगानगर है, और मेरा मायको है वो बेगा वाली फाजिलका जिलो लग है, पंजाब में है, और तहसील भी फाजिलका लग है, जिलो भी फाजिलका लग है। तो मैं और मेरो छोटो भाई, मेरे दो बहन भाई आ और मेरा मम्मी पापा है, मेरे चार आ फैमिली में। 2019 दिसंबर में मेरे भाई की एक एक्सीडेंट में डेथ होगी, तो मैं एक सिंगल चाइल्ड रहेगी मेरे मम्मी पापा की। पर बिंग बाद में मेरा दो छोटा बहन भाई है जिका दो दो साल का है, और जो मेरा पड़ोसी है मेबाऊ बहुत ज्यादा परेशान आ, वे माने काफी टाइम टॉर्चर करने लग रहा है। और जब मेरा भाई गए तो माने एक थोड़ी और मतलब आजादी मिल गई कि वे कुछ भी कर सके, क्योंकि मारे घर में कोई बोलने वालों को नहीं जो बने जागे कुछ कह सके या समझा सके। और सारू मोटी बात, गरीब को कभी कोई साथ कौन दे, और बे काफी स्ट्रोंग है आपकी वेल्थ ने लेगे। तो जिको मारो पड़ोसी है बिंगो नाम है लालचंद, और बिंगो छोरा को नाम है पवन, और बिंगो निकने में दीपू, और सारा भी ने दीपू कंबोज नाम उजाणा है, निहालचंद लालचंद कंबोज और दीपू कंबोज। बिंगी बहू अब भी थोड़े टाइम पहला ही टीचर लग गई है, तो मतलब काफी स्ट्रोंग है बे फैमिली में, और बे माने कई बार धमकी भी दे चुके है कई चीजा ने लेगे। और अब भी बे केक रहा है कि बे घर बनाने लाग रहा है, तो बा जब घर बनाना शुरू करो है तो मतलब बा ई साबू आपको घर तोड़ना शुरू करो है, भी मारो सारो घर की छत दीवार सब कुछ हिल चुके है। मेरा छोटा छोटा बहन भाई है बे घर में फिरता रहे है, और बने बच्चा ने को नहीं पतो, बे बहुत मासूम है, 2 साल गए तो बने कोई अच्छा बुरा को पतो को नहीं। पर जो बांगी दीवार है ना बा इतनी हिला दी है कि वह कदी भी गिर सके, कदी भी गिर सके। और जब बाना ही चीज के बारे में कह गयो कि थे दीवार थोड़ा आराम तोड़ो थोड़ा ध्यान तोड़ो, तो मतलब बे माना ही धमकी देन आ गया। और बा अठत का तक कह दियो, क्योंकि मेरा पापा अनाज मंडी में मुनीम है, तो यह कहवे कि मतलब जो जावे है नी जीत जावे, मेरे पापा को नाम रणजीत है और निकनेम बांगो जीत है, तो सारा बान जीत ही कह, जीत जिको जावे है नी बाजार तो थोड़ा ध्यान हो जावे, क्योंकि पहला भी थारो एक एक्सीडेंट में जा चुके है, ईशा एक्सीडेंट और भी हो सके। तो वह मतलब इनडायरेक्टली धमकी भी दे दी कि वे मेरे पापा ने नुकसान पहुंचावेगा, मैं बांगो कदी कोई बुरो कौन चाहे हो, कदी कोई बुरो कौन करे हो, और फिलहाल तो मैं बांगो कुछ बुरो करने की स्थिति में हां भी कोनी कि मेवा ने कोई नुकसान पहुंचा सका। पर वह माने इनडायरेक्टली इतनी बड़ी धमकी दे दी। और इयो इलावा जिको मैं जिको घर खरीदे हो वो मैं बिंग भाई निहाल चंद को खरीदे हो लालचंद के भाई को, तो शुरू ही बेमाने टॉर्चर करने ला रहा, मैं कोई जबरदस्ती करके तो घर खरीदियो कौन हो भी निहाल चंद की मतलब बना आपकी इच्छाओं ही बेचो नहीं मन माने घर है, मैं तो कौन क्यों की जबरदस्ती की माने ही बेच, वो भी टाइम आपके भाई ने भी देश को तो शायद आ कोई इशू पंगो हो तो ही कोनी। और जब मैं हमारी प्रॉब्लम का बारे में हमारे जो गांव का जिका मतलब पंचायत वगैरह करे थे अमीर लोग मान लियो बाने कहो, तो मतलब बेमाने ही मतलब समझाण लाग रहे कि कोई बात नहीं फिर क्यों गयो वो तो हो ही जावे, मतलब दूसरो घर बना तो होवे तो यहाँ हो ही जावे, तो मतलब सारा बोलन बांक आनी ही लाग रहे है, क्योंकि बांग वो पलड़ो भारी है, बे अमीर है, बांक ने पीसा है, मार्क ने कोई पीसा को नहीं, ना मार्क ने हमारी छत रिपेयर करवाने का पीसा है, ना मार्क ने दीवार रिपेयर करवाने का पीसा है। तो अगर मैं जे मतलब हमारी छत ने रिपेयर करवाना भी चाहवानी तो माने भी चीज में पीसा इकट्ठा करने में भी माने 4-5 साल लाग जाएगा, और जे मैं 4-5 साल बाद पीसा इकट्ठा करके आपकी जब छात रिपेयर करवाने लागांगा नहीं तो भी बाने प्रॉब्लम होगी कि थे हमारी अबो नुकसान पहुंचा दियो अबो नुकसान पहुंचा दियो। जब सारा बांक का नहीं बोलना आ जावेगा इन फ्यूचर में भी वो ही होगा, क्योंकि बे अमीर है तो बे तो अमीर ही रहेगा और हमारी स्थिति तो आ ही रहेगी। जद भी सारा उठ उठ के आ जाएगा कि हाँ भाई जीत तू गलत है, तू यहाँ कर ला रहे है, ता गलती कर दी तब आ गलती कर दी, और अब भी मारका नहीं कोई कौन बोलने लाग रहे हो ना मारका नहीं कोई आन लाग रहे हो, तो मेरे को ना वो आखिरी वही रस्तो है। अब मतलब मैं कितों सहन करा कितों सहन करा, मैं अठे बैठी हूं, मैं एक सेकंड में मेरे मम्मी पापा के को नहीं जा सकूं कि पापा के प्रॉब्लम होगी बताओ थे मने, मैं कोई भी चीज पर भांकना जल्दी सी को नहीं पहुंच सकूं, मैंने जान में भी बहुत टाइम लाग जाएगा, 2 घंटा को रस्तो है और इतने में तो के गो के हो जावे। पर सारा चीज समझनी चाहिए, यूं पहला भी एक वाक्य हो जब भी मामा ने काफी मतलब धमकियां दी, पर फिर भी मैं थोड़ो मतलब
रिलैक्स हो गया क्योंकि मार्क ने कुछ रास्तो ही कोनी तो मैं करा के मैं सिर्फ चुप हो गए लोगों की बात सुन सका कि हाँ वो के गयो हाँ वो के गयो। मेरा पापा है वे बहुत बीमार रहे वे डायबिटीज का भी मरीज है और बिया भी बहुत वीक हो चुके हैं थे सब समझो। जब 21 साल को छोरो जावे नहीं जब 21 साल का बेटे की डेथ हो जाए तो भी माँ बाप में कुछ को नहीं बचे ठीक है। पर फिर भी बे कोशिश करने लग रही है कि बे जिए बे आपकी लाइफ ने थोड़ो ठीक करे तो भी मैं मतलब लोग ही कुछ को नहीं करने देने लाग रहा। मने समझ में को नहीं आया भी मैं बांगू इशू के नुकसान पहुंचा दियो जो भी माने मतलब हर बारी नुकसान पहुंचावे। पहला जब दीवार निकालने लग गया मैं तो भी मतलब दीवार मारे कानी ही निकलवा दी और सारा आगे बंग कानी ही बोलिया बंग कानी ही फैसलो करो मारे कानी कोई को नहीं बोलियो जद भी सारा बांग कानी ही बोलिया। और अब भी जदबा नहीं है क्यों क्यों नहीं कि ए दीवार तो ए या दीवार तोड़न मतलब घर बना लाग रहा है या आपको घर या तोड़न लाग रहा है तो मतलब सारा ही के वह कि बा पहला ही जागे जो भी बेरिच पर्सन है बा न जागे कह दियो भी हाँ मारो तो नहीं दीवार को स्टार्टिंग वो ही रोड़ो चालन लाग रही है तो ये दीवार का रोला करके बोला है। और अभी मैं झूठे वीडियो एड करन लाग रही हूँ बिंग अमा साफ दिखन ला रही है कितों नुकसान होने लाग रही है कितनी मारे घर को मतलब जीरो हुई शुरू करना पड़ेगा इतना नुकसान हो गयो तो मैं वीडियो ऐड करूं थी वीडियो जरूर देखियो। और जो आदमी तोड़न लाग रही है नी तो मैं इन्हें क्यों कि तू थोड़ी देर रुक जा तो मतलब वो अण भी माने धमकी ही दी ओ भी आंगो कोई रिलेटिव ही हो तो अण भी है क्योंकि मतलब दीवार कदी भी गिर सका है थोड़ा ध्यान हो रही हो नीचू थोड़ा साइड में ही रही हो मीन्स ए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली माने धमकी ही देन लाग रहा है। और सारी त्रेड़ा वगैरह दिखन आ रही है थाने किया मतलब टूटन लाग रहा है पूरी जो मतलब करी है नी सारा छज्जा के अंदर जो है जो जाली है बिना सारा के अंदर दरारा आ चुकी है दरारा क्या गई मतलब सारी पाट गई और छत भी बिल्कुल पाट गई और सारी चीजें दिखन आ रही है कि इतना नुकसान कर दियो। फिर भी मतलब सारा आंका नहीं बोलन लाग रहा है कि नहीं मतलब थारी गलती है थे यहाँ कर लियो थे भी यहाँ कर लियो तो जी मार्क ने कुछ करण नहीं वार तो मैं की नहीं क्यों कहा भी थे यहाँ करवाओ थे भी यहाँ करवाओ पहली बात जो मार्क में इतनी हिम्मत ही वार तो मैं की सारो क्यों तकता हूँ वार है तो मार्का नहीं कोई कौन बोलने लग रहे हो सारा आंका नहीं बोलने लग रहा पूरा कंबोज है नहीं मतलब सारा कंबोज की तो एकता है ठीक है। और ये सारा कंबोज भी आंका नहीं बोलने लग रहा और जो और भी है नहीं बे भी आंका नहीं बोली बोल और आ ऊपर छत की स्थिति है पूरी छत के अंदर यहाँ त्रेड़ आ चुकी है दिखन लग रही है साफ साफ दो दो इंच मतलब इंच की त्रेड़ है। और फिर भी ये कहवा कि मतलब वो तो थारो आप ही होए मैं तो कुछ करियो को नहीं ये तोड़े नहीं इतना गंदा तरीका लाग रहा है थोड़ा प्रोटेक्शन भी तो तोड़ सका थोड़ा ध्यान रख के भी तोड़ सका पर कुछ को नहीं करियो आ मतलब साफ साफ नुकसान पहुंचाए हुआ है आ दिखन ला रही है सारी जाली पाड़ दी पर फिर भी सारा आ कानी ही बोला है मार कानी कोई कौन बोला है। मैं फिर एक मेंशन करन ला रही हूँ जे मेरा पापा का कुछ हो जावे या हमारी फैमिली मुकिंग है भी कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं तो बिंगो जिम्मेदार दीपू कंबोज और बिंगो बाप जो लालचंद कंबोज है बे दोनों ही होवेगा। और हो सके और भी बंगा कोई रिलेटिव साथ देवे जिया कि निहालचंद और बिंगो बेटो क्योंकि बे ए दोनों भाई है तो ये बे भी बिंगो साथ देगा दीपू कंबोज सन ऑफ लालचंद कंबोज ओ बिंगो निकने में और बिंगो फुलने में वो है पवन कंबोज। प्लीज मेरी मदद करो किया भी मेरी मदद करो क्योंकि मारी आवाज तो कोई सुनन कौन लाग रहे हो तो ओ ही मेरे कने मतलब जरियो है कि मैं मेरे थार तक मेरी बात पहुंचाऊं और थार को हेल्प मांगू कि प्लीज मेरी हेल्प करो जिया भी मेरी मदद कर सको करो मना कौन था ये चीज को सोल्यूशन के है कि है पर प्लीज मेरी मदद करो।